चलो ऐसा थैंक यू कह रहे गाना सुनाओ आज ओ सुनाओ पार्टी का तो एक बहाना होता है, दोस्तों को इकट्ठा करना होता है, बस मेन ही होता है कि सब बहुत दूर दूर मिल नहीं पाते हैं। और मकसद ये है कि चलो बड़े भाई आ गए, भाई जी साढ़े आ गए, बड़े ये हमारे भाव हैं, जिंदे भाव, हर बार भाग जाते हैं, वैसे दूर दूर निकल जाते हैं, काबू नहीं आते, तो आज के दिन काबू आते हैं, लेकिन बस ये है। सर आप क्या कहना चाहोगे पार्टी का? मेरा छोटा भाई है, मेरा यार है, और इसकी वजह से मैं बॉम्बे में, मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कभी आता था तो होटल में रुकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिम मुंबई मेरा दूसरा घर है। और मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि मेरा भाई है छोटा यहाँ पे रहता। और दूसरी बात, मैं हमेशा रब के आगे दुआ करूँगा आज इसके जन्मदिन पे कि इसको मेरे तक कोई काम ना पड़े, अगर काम पड़े तो इतना बड़ा पड़े कि दुनिया और इसके बीच में मैं खड़ा हूँ, और रब मुझे इतनी शक्ति दे, हिम्मत दे कि मैं खड़ा हूँ, अपना फर्ज निभाऊँ। आई लव यू, आई एम विद यू ऑलवेज, विद यू। थैंक यू भाई जी, जीते रहो। सर आप कुछ कहना चाहोगे आज के? सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद है विक्रम को कि सभी दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं, हम स्पेशली पंजाब से आए हैं तो सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे, तो मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे तो है ही है। तो साथ में जो है चाहता हूँ कि विक्रम के मन में कोई बहुत अच्छा बड़ा सा एक मूवी बनाने का इरादा है, उसमें जो सक्सेसफुल हो और हम इसके साथ। थैंक यू। ओ मूवी, मूवी द अनाउंस, यस। मैं चाहूँगा कि आज लोगों ने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं इसको, अमीर आदमी है भाई, दोस्त भी अमीर हैं तो सबने दिए हैं, अच्छा लगा। लेकिन ये अपनी नेशन को, अपनी भारत वालों को एक अच्छी फिल्म का प्रोजेक्ट दे और एक अच्छी फिल्म अनाउंस करे आज, और वो बनानी है दिसंबर से पहले, बनानी है, शुरू करनी है दिसंबर से पहले। तो मैं चाहता हूँ मेरे बर्थडे पे मेरे बड़े भाई अनाउंस करे फिल्म के बारे में, और यही अनाउंस करेंगे। अरे थैंक यू वेरी मच। हम एक धर्म से हट के, धर्म के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। लेकिन आज इस देवता समान इंसान के जन्मदिन पे मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, बहुत गर्व से अनाउंस करना चाहता हूँ वो फिल्म के बारे में कि रिश्तों की एक अटूट बंधन की कहानी, एक इज्जत की कहानी, एक प्यार की कहानी, मोहब्बत की कहानी, एक इंसानियत की कहानी। और जिसको जब भी लोगों ने कहानी सुनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, चाचू बैठा है, इमरान का है, सारे यहाँ पे हैं, तो सभी लोग बोलते हैं आमीन आमीन। और हमारी फिल्म का नाम है आमीन आमीन, और हम बहुत जल्द वो फिल्म शुरू करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी। मतलब आपको पता चलेगा कि मैं महीने सवा महीने के अंदर पोस्टर लॉन्च कर रहा हूँ पिक्चर का, और कश्मीर शूटिंग हम स्टार्ट करें 1.5 महीने के अंदर अंदर, ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है सारी। इस फिल्म में मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट, मैं आपको सच्ची बताऊँ,
इज़ माई बिग ब्रदर, ये मतलब अपनी मेरी परछाई है, वो परछाई है जो मैं जहाँ भी खड़ा रहूँगा, मतलब मुझे सोचनी जूटनी कि मैं अकेला खड़ा हूँ, ये खड़े हैं पीछे, रवि है मेरे पीछे, गोपी है हमारा, गोपी भाई पीछे है, सलमानी है, मतलब कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मेरी परछाई है। वी आर सपोर्टिंग फॉर दिस फिल्म। पम्मी भाई जी ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और चंडीगढ़ से हमारे मेयर साहब भंडारी भाई, ये बड़े बड़े वीर जी, हम गुरु जी बोलते हैं इनको, गुरु जी हैं, और भाव मेरे जिन, इन्होंने, इनका शख्सियत है कि MLA रहे हैं कल्याण से, और BJP और शिवसेना जो गठबंधन लास्ट टाइम हुआ था वो पवार साहब ने करवाया था, मेरे बड़े भाई भी हैं। और वी आर सपोर्टेड फॉर दिस फिल्म। आमीन, ये कोई पॉलिटिशियन फिल्म नहीं बना रहा हूँ मैं, पर ये फिल्म एक बहुत बड़े मुद्दे पर आ रही है। देखो साफ सी बात है कि सरदार मरने के लिए सबसे आगे, कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे, तो भाई हम 2-3% हैं हिंदुस्तान में, तो हमारा भी तो हक है, हमें 84 का जस्टिफाई चाहिए। फिल्म उसके ऊपर कर रहा हूँ सिर्फ, और क्या क्या कर रहा हूँ, किस तरह का मैसेज होगा सोसाइटी के, 84 का मुद्दा है हमारा, 84 का, हमारे दो आदमी को भी जस्टिफाई मिल गया, उसके लिए फिल्म कर रहे हैं, ठीक है। कंगना कर रही है इंदिरा, मैं कर रहा हूँ आमीन, और सेम डे रिलीज करूँगा भाई, टंकी की चोट पर करूँगा, सामने खड़ा हुई क्या करूँगा, और बहुत अच्छे से मेरी अच्छी दोस्ती भी है, बट उसके साथ रिलीज करूँगा, वो इंदिरा करेगी और मैं आमीन करूँगा। हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ लड़ेंगे या किसी, कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं, या किसी को चैलेंज, ऐसा कुछ कुछ नहीं है, ये हमारी भावना है, ये भावनाओं में बहरा है, समाज को एक करने का तरीका, एक करने का सपना है, जो उसको हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना, कितने परसेंट हम उसमें सक्सेस होते हैं, ये आपकी मोहब्बत, भारतवासियों की और भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उनकी मोहब्बत, उनका मैसेज जो हमारे तक पहुंचेगा, वो डिसाइड करेगा कि हम अपना मैसेज डिलीवर करने में कितने कामयाब हुए हैं। लेकिन हम अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे, और वादा करेंगे कि किसी को भी किसी भी तरह ठेस ना पहुंचे, मोहब्बत की बात आप तक पहुंचे। यस, दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन 84 खुश करता ओ तेनू सोनिए बलौंदे जान जान गबरू दे बुल सुक गए रहिंदा हर वेले तेरे जितियां तेरे नहीं हुकम मुकदे कर तकड़ा जा दिल किते कलियों नू मिल लब सुनी जई सोनिए नी था कह जवे ना पैड़ा रस के तेनू सोनिए बलौंदे जान जान विक्रम दे बुल सुक दे। Once again, happy birthday to you. Sir, thank you. Singers में पम्मी भाई जी, विक्रम जी का मैं यही कह रहा हूँ कि आज वो लोग पंजाब से चल के आए हैं जो 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, तो इससे पता चलता कि विक्रम जी का कितना बड़ा जलवा है इस हिंदुस्तान में। ये प्यार की बात है, और जितने सोशल व्यक्ति ये हैं, मुझे लगता है एक पिक्चर नहीं, आज तो एक पिक्चर अनाउंस हो रही है, ये हजारों पिक्चर बनाएंगे और फिल्म बॉलीवुड में भी पिक्चरें बनाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं इनको, परमात्मा लंबी आयु दे, धन दौलत शोहरत अच्छा स्वास्थ्य, और जो जीवन की पूरी ऊंचाइयों पे ये पहुँचे और हर जगह इनका नाम हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आज जहाँ जन्मदिन की बधाई है, उसके साथ साथ फिर उन्हें जो आमीन के लिए अनाउंसमेंट किया है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमीन के बारे में आपको नटशेल में तो बता ही दिया कि इस बेस्ड ऑन द 84, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ है। 84 नॉट ओनली द राइट्स, उसका हम लोग चाहते हैं, पंजाब से जितने लोग आए हैं, स्पेशली हमारे जितने पंजाबी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ जहाँ भी रहते हैं, वो सभी के मन में है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो उस बात की भी मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत जल्द वो पिक्चर शुरू होगी। नीमे पानी नीमे पानी भरे निया पतनो बड़े नैन बड़े नैन न रहने तकनो
अल्लाह जाने ते यार ना जाने मेरा डोले जवानी हमारी अल्लाह जाने ते यार ना जाने मेरा डोले जवानी हमारे वो नहीं तू खड़ी नहीं मुट्टे यार मुंडा खड़ के कुड़ी नू बजा मारे नी तू खड़ी नी मुट्टे यारे मुंडा खड़ के कुड़ी नू बजा मारे का तो भुल गई है वैर ने बुलाउणा भुल गई है वैर ने बुलाउणा नी लभदी मर जाएगी जट वर्गा